देश के सबसे प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज के 125वें वर्ष पूरा होने पर यहां की श्रेष्ठ परंपराएं, परपाटियां और किस तरीके से इस कॉलेज के ने देश के अंदर इस 125 वर्ष के अंदर अपनी विरासत को संभालते हुए, अपने अतीत को संभालते हुए और भविष्य में इस कॉलेज ने प्रतिष्ठा और बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस कॉलेज ने स्थापना से लेकर अभी तक जिसने औपनिवेशिक काल भी देखा, अंग्रेजों का शासन भी देखा, आजादी की लड़ाई भी देखी और स्वतंत्र भारत का इतिहास भी देखा, एक लंबी और श्रेष्ठ परंपराएं आज भी कायम है। मैं इसके लिए विशेष रूप से इस कॉलेज के संस्थापक महामान मदन मोहन मालवीय जी और उन सब लोगों को जिन्होंने एक छोटा सा नन्ना सा पौधा लगाया था और उस समय लगाया था जब देश में शिक्षा का अभाव था, विशेष रूप से कॉलेज के शिक्षा का तो बहुत नितांत अभाव था। उस समय वो पौधा आज वटवृक्ष के रूप में खड़ा है, केवल खड़ा नहीं वटवृक्ष के रूप के अंदर इस कॉलेज ने 125 साल के अंदर जहां पर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले संत सेनानी निकाले, अंग्रेजों के काल के अंदर अपनी लेखनी से, कविता से, गीत से, संघर्षों से और अपनी मेहनत से उन विद्यार्थियों को निकाला जिन्होंने देश के उस कालखंड के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया और उसके बाद इस आजादी के कालखंड के अंदर जिन विद्यार्थियों ने योगदान देकर इस भारत को समृद्ध बनाया, इस भारत की विकसित भारत यात्रा के अंदर अहम योगदान दिया, उन सबको भी हम आज याद करते हैं। इस कॉलेज की एक विशेष परंपरा है, इसीलिए यहां के प्रधानाचार्य जो अभी प्रेसिडेंट ऑफ इस कॉलेज की है अंजू श्रीवास्तव जी, अभी प्रोफेसर मनीषा जी बता रही थी किस तरीके की यहां की श्रेष्ठ परंपराएं रही है और मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। 1955 के प्राइम मिनिस्टर यहां उपस्थित थे, 1955 के अपोजिशन के नेता यहां उपस्थित थे, कितना लगाव इस कॉलेज से है क्योंकि उन्होंने जिंदगी के अपने स्वर्णिम समय को यहां गुजारा है और यहां पर शिक्षण संस्कार प्राप्त करते हुए आज उन्होंने लंबे समय इस देश के लिए योगदान दिया है और आज हमारे सामने वह युवा पीढ़ी भी बैठी है जो नए संकल्पों को, नए आत्मविश्वास को साथ लेकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है, कटिबद्ध है। मैं देखता हूं विशेष रूप से इस कैंपस के कॉलेजों को देखता हूं कितना कंपटीशन है आजकल, गांव से निकला, शहर से निकला वो नौजवान, नौजवान युक्तियां जो गांव के परिपेक्ष में रहती हैं, जिनके परिवार आज भी संघर्ष कर रहे हैं,
लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उनके सपने इस कॉलेज से पूरे हो रहे हैं। और मैं देखता हूं जब भारत की इस युवा तस्वीर को, भारत की नई ऊर्जा को, नई शक्ति को, सामर्थ्य को, तो मुझे लगता है अब वह कालखंड आ गया जिसका सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था। ये कालखंड आजादी के 75 वर्ष के लेकर 100 काल का कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कालखंड के अंदर हमने इस कॉलेज की श्रेष्ठ परंपराएं, लोकतांत्रिक परंपराएं विशेष रूप से, किस तरीके से लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र की श्रेष्ठ परंपराओं के माध्यम से हम किसी कॉलेज में चर्चा संवाद कर अच्छी परंपराएं प्रपाटी के साथ इस कॉलेज का विकास कर सकते हैं, उसी तरीके से भारत ने भी 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर श्रेष्ठ चर्चा संवाद, सहमति असहमति, विचार विमर्शों से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम सबको गर्व होता है कि दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और केवल भारत लोकतंत्र ही बड़ा नहीं, जब दुनिया के देश हमारी विविधताओं को देखते हैं, डाइवर्सिटी को देखते हैं, तो उनको लगता है कि इतना विविधता वाला देश जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग वेशभूषा, अलग खान पान, अलग अलग धर्म, दुनिया के जितने भी धर्म पालने वाले लोग हैं वो भारत में रहते हैं, ये केवल भारत ही दुनिया के अंदर है जहां सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। भौगोलिक स्थिति से विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, राजनीति विविधताएं हैं, लेकिन उसके बाद भी इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश को सशक्त किया, एक साथ जोड़ने का काम किया है और उसके साथ देश को आगे बढ़ाने का काम भी किया। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है और इसीलिए इस कॉलेज ने एक श्रेष्ठ परंपरा डाली, प्राइम मिनिस्टर की, अपोजिशन लीडर की, प्रेसिडेंट की, और उन परंपराओं के अंदर जो कुछ भी इन्होंने सीखा, अनुभव किया, वह सब देश को दिया। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उनके पास बहुत अवसर है, उनके पास बहुत संसाधन है। हम दुनिया के अंदर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया के अंदर अधिकतम देश वह ढलान में है। भारत के नौजवान की ताकत बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, शक्ति सामर्थ्य बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर नौजवान धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो एक तरफ वो देश ढलान की तरफ है, एक जो देश है जो यौवन की तरह है जो आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए इस कालखंड के अंदर जब हमारे पास संभावनाएं, अवसर है, उस समय हमें और आत्मविश्वास से और संकल्पित होकर नए लक्ष्य बनाकर चलने की आवश्यकता है। मैं जब मेरे नौजवान साथियों का टैलेंट देखता हूं तो लगता है दुनिया के अंदर भारत के नौजवान का टैलेंट, उनका इनोवेशन, उनका सोच, उनका चिंतन, उनका विचार, विचार में आध्यात्मिक संस्कृति का विचार, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का विचार, ये ताकत भारत के नौजवानों में देखता हूं। हम हर आपदा, हर संकट के अंदर, हमारे पास कितनी भी आपदाएं, कितनी भी संकट आए, उस आपदा और संकट के अंदर हमने अवसर को देखा और आपदा और अवसर के अंदर हमने सेवा करके देश को आगे बढ़ाया। ये ताकत आज हमारी है।
आप दुनिया के जितने देशों के विश्लेषण करेंगे आप, क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट टैलेंट है। मेरा भी दुनिया में कई देशों में जाना होता है, कई विकसित देशों में भी जाना होता है, विकसित देशों में भी जाना होता है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उस विकसित देश की ताकत और सामर्थ्य को बढ़ाने का काम भी भारत का नौजवान कर रहा है। वहां के नए इनोवेशन करने का काम भी भारत का नौजवान कर रहा है, और विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और दक्षता के अंदर तो भारत का नौजवान ही है जो देश में उस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और आज इसीलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी ताकत हमारे नौजवान हैं, हमारी ताकत ये नौजवानों की ऊर्जा है, सामर्थ्य है, शक्ति है। और इसीलिए अब कालखंड का वह समय आ गया है जब हमें बहुत तेजी से आगे चलने की आवश्यकता है। हर सेक्टर के अंदर नए परिवर्तन के साथ, नई सोच और नए चिंतन के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए दुनिया में जो कुछ भी बदलाव होता है, जो कुछ भी नया होता है, वह समय आ गया है, बदलाव भी भारत से होगा, नया भी भारत से होगा। और आप ये देख रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले G20 का सम्मेलन हुआ, उसके पहले G20 का सम्मेलन इंडोनेशिया में था। G20 के सम्मेलन के एजेंडे में सर्वसम्मति नहीं बन पाई, क्योंकि मैं भी P20 का अध्यक्ष हूं। G20 के अध्यक्ष में राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं और P20 के सम्मेलन में उस संसद के अध्यक्ष होते हैं। G20 के अंदर जिस सफलता के साथ भारत ने अपने एजेंडे को लागू किया, जिस सफलता के साथ भारत की संस्कृति, संस्कार, वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, हमने दिशा दी, दुनिया ने वो दिशा दी। कोई समय यह भी था जब दुनिया के विकसित देश एजेंडा तय करते थे, आज समय आ गया हम एजेंडा तय करते हैं, दुनिया उस दिशा की ओर चलती है। ये बदलाव का समय है। दुनिया की जितनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान हम निकाल रहे हैं, और आने वाली हर चुनौती और आपदा का समाधान हमारा नौजवान निकलेगा, इस समय आ गया है। और इसीलिए इस बदलते परिप्रेक्ष्य में, इस बदलते समय के अंदर, जब दुनिया के देश भारत की ओर देख रहे हैं, कोई समय था कि सारी टेक्नोलॉजी कुछ गिने चुने विकसित राष्ट्रों के पास ही टेक्नोलॉजी हुआ करता था। कभी लोग सोच भी नहीं सकते थे, हम भी उस समय के दौर में थे, कि कोई के मेड इन जापान बेस्ट होगा, जर्मनी बेस्ट होगी। दवाइयों के अंदर भी हम कहते थे कि वो दवाइयां जो विकसित देश की दवाइयां ज्यादा बेस्ट होगी। और जब हमने कोरोना के समय वैक्सीनेशन बनाया तो लोगों ने सोचा वैक्सीनेशन कैसा होगा, क्या हमारे भारत के लोगों के भी मस्तिष्क में चलता था। लेकिन दुनिया के कई देशों में मैं गया तो उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीनेशन था तो भारत का बेस्ट था। आप जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज से लेकर कितने भी देशों में चले जाओ और विकसित देशों के अंदर भी चले जाओ, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर कहेंगे बेस्ट डॉक्टर भारत का और बेस्ट दवाइयां भारत की। मैं जब स्पीकर कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि हम भारत में इलाज कराने आते हैं। कौन इलाज कराते हैं? दुनिया के विकसित देश जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो डेवलप हो चुके हैं लेकिन दक्षता के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर आज भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। और इसीलिए
हर सेक्टर के अंदर आप देखो, हर सेक्टर के अंदर बदलाव आ रहा है। कोई समय डिफेंस के सेक्टर में 99% हम दुनिया से इंपोर्ट करते थे, अब समय आ गया है हम एक्सपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। डिफेंस क्योंकि टेक्नोलॉजी का सेक्टर हुआ करता था, तो इस बदलते परिपेक्ष के अंदर हमें जहां हमारे अतीत का अनुकरण करना चाहिए, अतीत का इसलिए कि इस कॉलेज का अतीत बहुत बड़ा रहा है। इस कॉलेज में देश के महान नेताओं ने आकर उस समय छात्रों को मार्गदर्शन दिया, दिशा दी, नए चैलेंज चुनौती लड़ने के लिए एक नई दिशा देने का काम किया। और भविष्य इसलिए है कि भविष्य तो वह हमारा ही है, दुनिया भी ये मानती है कि आने वाला भविष्य भारत का ही है, और उस आने वाले भविष्य में भारत में मैं देखता हूं तो मेरा नौजवान ही भारत का भविष्य है, और ये बदलते भारत की नई इबादत लिखेगा तो मेरा नौजवान लिखेगा। इसलिए हमारे मन क्रम विचार काम में हर कार्य प्रणाली में कार्य संस्कृति में हमारा करियर तो होना चाहिए, हमारा करियर के साथ हमारा देश भी होना चाहिए। हमारी सोच में मेरा परिवार तो हो लेकिन मेरी सोच मेरा देश भी हो। और इसीलिए जब टेक्नोलॉजी का जमाना है, दुनिया हम यहां पर बैठकर देख सकते हैं, तो उस समय हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि दुनिया में बदलते परिप्रेक्ष्य में जो चुनौतियां हैं उस चुनौतियों का समाधान इस कैंपस से निकले। और मुझे विश्वास है अब समय आ गया है हमारे विश्वविद्यालय और कैंपसों से दुनिया की चुनौतियों आपदों का समाधान निकलेगा। मुझे मेरे नौजवानों पर टैलेंट पर विश्वास, उनकी दक्षता पर विश्वास, उनकी कार्य कुशलता पर विश्वास है, क्योंकि वह हर काम करते हैं तो देश के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, उनकी सोच देश के लिए होती है, उनकी सोच नए भारत के भविष्य के लिए होती है। और यह बदलाव मैं कॉलेज के कैंपस में नहीं देख रहा, मैं जब गांव ढाणी में जाता हूं तो यह बदलाव वहां भी देख रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है वह भी आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग कर रही है। एक समय था जब देश के अंदर हमारी बेटियां हर सेक्टर में कम थी, आज कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर हमारी बेटियां नेतृत्व नहीं कर रही, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में ले लो, पंचायत से लेकर राष्ट्रपति जी तक, चाहे सामाजिक क्षेत्र में ले लो, विज्ञान टेक्नोलॉजी में ले लो, डॉक्टर ले लो, सीए ले लो, आईएएस ले लो, हर सेक्टर के अंदर हमारी बेटियां नेतृत्व कर रही है, फाइटर प्लेन से लेकर विज्ञान से लेकर और सीमा तक। यह बदलता भारत आप देख रहे हैं नहीं देख रहे? कोई समय नहीं था जब, मुझे याद है कि एक समय था जब इस उत्तर भारत के अंदर 40 साल पहले नर्सिंग का काम केवल केरल की बेटियां करती थी, आज भारत के अंदर कोई भी सेक्टर में चले जाओ हर सेक्टर के अंदर, जो हम समानता की बात करते थे, संविधान की बात करते थे कि समानता, हमने संविधान बनाते हुए समानता की बात बहुत करी, हमने मताधिकार के लिए पहले से कहा कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश था जिसने अपने संसदीय लोकतंत्र में सबको मताधिकार दिया, लेकिन हम काम काज और कार्यक्रम में बदलाव नहीं ला पाए थे। अब समय कार्यक्रम में भी बदलाव है, काम काज में भी बदलाव है, और हमारी बेटियों ने बदलाव करके देखा, और इसीलिए
अब बेटियां घर पर नहीं रहती। मैं जब कोई गांव में जाता हूं तो गांव में 8 किलोमीटर हो, 40 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, चाहे गांव की बेटियां भी बेंगलोर हैदराबाद के अंदर आईटी सेक्टर में काम करती हैं। दुनिया की जितनी भी सीईओ कंपनियां आए, वक्त आएगा जब हमारी बेटियां नेतृत्व करेंगी। अब वो समय बदलाव का आ गया है और इसीलिए आपसे बहुत देश को आशा है, आपकी क्षमता पर देश को बहुत अपेक्षा है और ये अपेक्षा आपसे इसलिए है कि हमारी आजादी का लड़ाई का आंदोलन भी देश के नौजवानों ने लड़ा था, इस नए भारत के निर्माण के लिए भी आपके योगदान की आवश्यकता है। इस विकसित भारत बनाने में भी आपके योगदान की आवश्यकता है। आप पूरे सामर्थ्य, पूरी शक्ति से कड़ी मेहनत से इस देश में बदलाव ला सकते हैं और बहुत जल्दी विकसित भारत का सपना भी पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए मैं सभी पूर्व प्राइम मिनिस्टरों को, प्रतिपक्ष के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम में आए, जिन्होंने लोकतंत्र की इस कॉलेज की कैंपस से भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान दिया। हमारी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली आज मजबूत है। कई भारत के अंदर कई चीजें हैं जो दुनिया अचंभित रह जाती है, जब उनको पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन ये है और फिर चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रबंध प्रणाली। दुनिया का कोई लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं है जहां 90 करोड़ मतदाता हो। और समय था जब हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते थे, जनसंख्या अभिशाप होगी इसकी चर्चा करते थे, आज कितना बदल गया। आज कोई जनसंख्या अभिशाप की बात नहीं करता, आज बात करता हमारे नौजवान की ऊर्जा सामर्थ्य की, क्योंकि हर नौजवान का सामर्थ्य, उसकी ऊर्जा, उसका सोच, उसका चिंतन में जिस तरीके से बदलाव आया है। अभी मुझे प्रेसिडेंट साहब बताए थे, प्रिंसिपल साहब, मैंने कहा क्या परसेंट पे एडमिशन होता था, अब तो सिस्टम बदल गया। उन्होंने कहा कि 95, 97, 98, 90, क्या टैलेंट है, आपको गौरव होना चाहिए कि आप किस कॉलेज के कैंपस में पढ़ रहे हैं। आप गौरवशाली हो कि आप उस कैंपस में पढ़ रहे हो जिस कैंपस के नौजवानों ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी है और जिस कैंपस के लोगों ने भारत के नवनिर्माण में योगदान दिया है। और अब उस कैंपस के नौजवान विकसित भारत बनाने के सपना पूरा करें, यह हमारे सामने चुनौतियां हैं और संकल्प है। मुझे आशा है ये चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे और इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे सामर्थ्य से काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद महोदय।